तीन दिवसीय प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रविवार को बुद्धि विहार स्थित भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों से इससे पूर्व की सरकारों की तुलना करें तो फर्क दिख जाएगा। नई तकनीक और सुविधाओं की वजह से युवा प्रतिभा कमाल कर रही है। लोग कॉरपोरेट की नौकरियां छोड़कर आ रहे हैं। मोदी सरकार ऐसा देश बना चुकी है कि जब हम 2047 में देश की आज़ादी का 100वां जश्न मनाएंगे तो हमारे पास तमाम उपलब्धियां गर्व करने के लिए होंगी। आधुनिक खेती में स्टार्टअप एक बहुत बड़ा कदम है। कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार और प्लान के सवाल पर कहा, वाकई में ही कई घटनाएं द्रवित कराती हैं। पर आप देखें, जब कश्मीर पंडितों पर संकट आया तो भाजपा ही उनके साथ खड़ी दिखाई दी। उन्होंने देश के मौजूदा माहौल, धार्मिक आधार पर बयानबाजी पर कोई जवाब न देते हुए सिर्फ इतना कहा कि हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते। हमारी योजनाएं गवाह हैं कि हमने चेहरा देखकर किसी को योजना का लाभ नहीं दिया। मुरादाबाद में तीन दिवसीय प्रवास के बाद दिल्ली लौटते वक्त उन्होंने कहा कि वे फ्यूजन से अपार संभावनाएं देख रहे हैं। चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में कहा कि भाजपा हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहती है। कार्यकर्ताओं की निरंतर क्षमता विकास के लिए पार्टी इस तरह के काम करती रहती है। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भी इसे अमृत महोत्सव कहा है, अर्थात कहने का तात्पर्य ये भी कि आने वाले 25 वर्ष भारत के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जब भारत विश्व पटल पर प्रथम स्थान पर खड़ा होगा और उसको किस प्रकार से उसके लिए योजनाबद्ध तरीके के साथ हम अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करें, विशेषकर युवा, और ये युवा देश है और वो लोग जिनके पास अगले 25-30 वर्ष ऊर्जापूर्ण एक्टिव सर्विस देने का अवसर है, उनके ऊपर हमारा विशेषकर फोकस ध्यान रहने वाला है, सरकारी तंत्र में भी और योजनाबद्ध तरीके के साथ भी। क्योंकि सन 2047 में जब आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा तो यही भारतवासी उस समय ये कहने की स्थिति में हो कि भारत को शिखर पटल में पहुंचाने का योगदान हमारा भी रहा, और हमारी पीढ़ी के लोग उनको उनमें उस प्रकार की क्षमता पैदा करने में कुछ भूमिका अदा कर सके, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में, ये हमारे लिए संतोष की बात रहेगी। और इसी विचार को लेकर के देश भर में काम भी किया जा रहा है। कुछ एक सरकार और पार्टी की दृष्टि से कुछ कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की भी योजना है, और मोदी जी के द्वारा जो जन कल्याण के अनेकों कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं उनको आखिरी कतार तक, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का किस प्रकार योजना बने और किस तरह उसकी योजना की रचना हो। क्योंकि बहुत जगह ऐसा देखा गया कि कई बार इस प्रकार की योजनाओं का उस प्रकार की जागरूकता नहीं है जिस प्रकार की अपेक्षित है। इसी प्रकार युवाओं को लेकर के हमने इस तीन दिवसीय प्रवास में एक बड़ी ही सफल कार्यशाला आयोजित की थी परसों, स्टार्टअप्स को लेकर के। और मुझे ये कहते हुए बड़ा संतोष भी है और हर्ष भी कि बहुत बड़ी संख्या में युवाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। और भारत सरकार में इस समय अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत स्टार्टअप्स के लिए सहयोग भी उपलब्ध करवाया जाता है, सहायता भी और टेक्नोलॉजी की सुविधा भी। और आपको स्मरण होगा कि मोदी जी ने लाल किले के परिसर से अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में 2015 में स्टार्टअप इंडिया कहा था। इसका आह्वान लाल किले से जब प्रधानमंत्री करते हैं तो जाहिर है कि इसको कितनी प्राथमिकता दी जा रही है। किन्हीं कारणों से जिस प्रकार स्टार्टअप की इस मुहिम ने कुछ एक दक्षिण भारतीय प्रदेशों में, कर्नाटक, आंध्रा, गुजरात इत्यादि में एक तीव्र गति से आगे बढ़ने का काम हुआ है, उतना यहाँ पर नहीं था। इसलिए हम यहाँ पर भी उस प्रकार की जागरूकता का अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। अनेकों नए उसमें पहल की गई है, एक अरोमा मिशन है खेती को लेकर के, किसानी को लेकर के, जिसे आजकल एग्री टेक स्टार्टअप्स कहा जाता है, कि आधुनिक किस्म की एग्रीकल्चर जिसमें ड्रोन का उपयोग होता है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है, समय बचता है, खर्चा बचता है, इन प्रकार के नए जो आयाम हैं जो रोज़गार का साधन भी बन सकते हैं, जीविका का साधन भी। क्योंकि कोई भी सरकार हर व्यक्ति को वेतन याफ्ता सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन मोदी जी जैसी जिम्मेवार सरकार सदा ये प्रयास में रही कि रोज़गार के साधन उपलब्ध करवाए जाए। और ऐसे सेक्टर्स जिनको पहले खोजा नहीं गया था, जैसे अरोमा का सेक्टर है, औषधियों का सेक्टर हिमालयन बेल्ट में है, लेवेंडर का सेक्टर, बैम्बू का सेक्टर, और
उसको लेकर के अनेकों इस तरह के कानून और संशोधन भी किए गए हैं। भारत में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हम सब जानते हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंस से हम परिचित है, ये 100 साल पुराना था 1918 का, उसको संशोधित करके होम ग्रोन बैम्बू जो घर आंगन में बांस उगता है उसको उससे मुक्ति दे दी गई है। और इसी प्रकार 5-6 हज़ार की तजारत प्रतिवर्ष अगरबत्ती की होती थी, लेकिन विडंबना यह कि सारी की सारी अगरबत्ती बाहर से आती थी, उस पर भी आयकर जो इम्पोर्ट टैक्स है उसको बढ़ा करके 25% कर दिया गया ताकि डोमेस्टिक होम ग्रोन बैम्बू को बढ़ावा मिल सके। तो जिस प्रकार से अमृत काल में और आने वाले समय में युवाओं के महत्व को देखते हुए उनकी ऊर्जा को किस प्रकार से देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में पर्याप्त ढंग से उपयोग में लाया जाए, चैनलाइज किया जाए, उसी को लेकर के ये सारी योजनाओं की रचना हो रही है। और मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी सदा से ही समाज से जुड़ा हुआ एक संगठन रहा है। 24x7x365 ये संगठन है, ये ऐसा नहीं कि जो सिर्फ इलेक्शन के समय सक्रिय होता है। और जितने भी मोदी जी की योजनाएं हैं समाज हित की हैं, और मुझे लगता है कि प्रत्येक समाज के वर्ग से ये अपेक्षा है कि वो इन योजनाओं के साथ, इन जन कल्याण कार्यक्रमों के साथ जुड़ जाएं, और उसी को लेकर के ये प्रयास जारी है। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, MLC सत्यपाल सैनी, मीडिया प्रभारी संजय ढाका, राहुल सेठी, निमित्त जायसवाल, महानगर महामंत्री श्याम बिहारी शर्मा आदि तमाम लोग मौजूद रहे।